पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह ने जिले में परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए चयनित ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर चर्चा की। बैठक में CDO ने कहा कि 4 नवंबर तक चयनित ग्राम पंचायतों का DPR तैयार कर दिया जाए, जिससे बजट पास होते ही उन गाँवों में विकास का कार्य शुरू कर दिया जाए। बैठक में DPRO हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सारे वीडियोस और ग्राम प्रधान ये डिसाइड कर ले 4 तारीख की मीटिंग के लिए कि कौन से कार्य उनको करने का डिसीजन बेसिकली आप ही का है, लेकिन मीटिंग में यहाँ पे जो हमारी जिला स्तरीय मीटिंग है इसमें शुरू हो आप इस GO को पढ़ लीजिए, परफॉर्मेंस ग्रांट को, और PWD के एक्जे साहब है। आप पहला ही अगर आप पढ़ते हो तो अमाउंट देखिए, हमारे पास पहला है प्रशासनिक तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें आप दोनों के कमेंट करूंगा, इसका क्या है टेंशन किस लेवल का ऑफिसर देता है? एग्जिम लेवल 5 लाख से ऊपर है तो एग्जिम लेवल है। तो इसलिए सर इसमें वो है कि संसार चीजें मीटिंग का मतलब होता है कि सबका बोलना, सबके अपने विचार रखना। आपने रखा उनका जो टेक्निकल बंदा, मैं उससे पूछ रहा हूँ ताकि सबको क्लियर रहे कि क्या प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये ओपन फोरम जब कमेटियाँ बनती है इसका यही मतलब होता है, आपको बनाना है जो भी आप प्रायोरिटी, इसीलिए प्रायोरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या किस निधि में पड़ा था ये पूछ रहा था, आप लोगों ने देखा कितना पूरा आ गया? 50 लाख आज के साथ है। तो ब्याज को तो साइड में रखेंगे क्योंकि उसकी खर्च करने की अलग गाइडलाइन होती है। प्रधान जी बताना चाहें कि क्या और भी किस्त वो दे रहे हैं इसमें कि मैंने 50 लाख खर्च करने को कहा था, क्योंकि आप काम उसी के हिसाब से एस्टिमेट होगा ना। अगर 50 लाख का मेरे पास है, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति भी है, तो वित्तीय स्वीकृति में पहले ये देख रहा है मैं कि बजट कितना है और उसके सापेक्ष जो हमने एस्टिमेट बनाया वो कितना है। सुनिए, बड़ा इम्पोर्टेंट, जनपद में प्रशासकीय स्वीकृति विगत होने के उपरांत योजना के सापेक्ष 50% धनराशि निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश द्वारा ग्राम पंचायत सिसवा विकास खंड बदल जो होगी पूर्वा जनपद गोरखपुर को उपलब्ध कराएगा। ये जो आप एस्टिमेट बनाओगे उसके सापेक्ष भी वो धनराशि है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आप अपने काम डिसाइड कर लीजिए, उसी एस्टिमेट का आप लोग क्लियर कराओगे और अपना कार्य तो करोगे। फाइनेंशियल मैटर में जहाँ अकाउंट ऑफिसर या ट्रेजरी ऑफिसर होता ही, आप लोग अपने अकाउंट ऑफिसर साइड कराते हैं, लिखिए ना, ये बहुत